ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल 71 ईयर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय गणतंत्र के मायने, ये चर्चा में क्यों है। देश भर में मनाया गया 71वां गणतंत्र दिवस। ब्राजील की राष्ट्रपति जायर बालसेनारो थे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत ने पूरे किए 70 साल, और गणतंत्र के 70 साल के सफर में देश में आई कई बड़े बदलाव। तो आइए देखते हैं गणतंत्र का अर्थ। गणतंत्र का अर्थ जनता द्वारा जनता के लिए शासन करना होता है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा रानी की बजाय आम जनता के हाथ में राजनीतिक संप्रभुता होती है, और वंशानुगत आधार पर नहीं बल्कि जनता द्वारा देश का प्रमुख चुना जाता है। फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान में गणतंत्र। फ्रांस के संविधान से भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ शासन की शक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न होकर भारत की जनता में निहित होती है, और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा एक नियत अवधि के लिए किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब हम देखते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में प्राचीन काल से गणतंत्र की परंपरा चलती आ रही है। वैदिक काल में सभा, समिति, विदत, परिषद जैसी संस्थाओं का उल्लेख है। गणतंत्रों का उदय उत्तर वैदिक काल के अंत में ईसा पूर्व 6 शताब्दी में कुल 16 महाजनपद थे। 599 ईसा पूर्व में वैशाली का लिच्छवी गणराज्य दुनिया का पहला गणतंत्रात्मक राज्य बना था। ग्रीक और रोमन गणराज्य से भी काफ़ी पुरानी भारत में गणतंत्र की परंपरा रही है। भारतीय गणतंत्र की अन्य देशों से तुलना। राज्य प्रमुख के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति के पद में समानता है, लेकिन शक्तियों में बहुत अंतर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की तरह है। वह राष्ट्र का प्रमुख तो होता है, परंतु कार्यकारी प्रमुख नहीं होता। फ्रांस में प्रत्यक्ष रूप से तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा या भारत के राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र का प्रधान नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति को कई कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती है। भारत के राष्ट्रपति की तरह ही जर्मनी में भी राष्ट्रपति को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। भारतीय गणतंत्र की चुनौतियाँ। गहराता धार्मिक विभाजन बड़ी चुनौती है। धार्मिक ध्रुवीकरण से संविधान के सेक्युलर चरित्र को खतरा है। आज भी समाज में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सार्वजनिक संस्थानों का संलग्न भ्रष्टाचार, नौकरशाही, लाल फिताशाही, पुलिस राज जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक वैमनस्य, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार निवारण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बहुत ही खराब प्रदर्शन है। गरीब अमीर के बीच की बढ़ती खाई, किसानों की आत्महत्याएं, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध जैसे मुद्दे गणतंत्र को पीछे धकेलते हैं। अब आगे की राह क्या है? संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण करते हुए संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। धार्मिक और जातिगत विद्वेष को बढ़ावा देने वाली राजनीति को खारिज करने की दरकार है। सामाजिक धार्मिक विषमता को कम करने और समता मूलक समाज बनाने के लिए आम जनता और सरकार को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा पर सरकार की गंभीरता जरूरी है। और यहीं हमारा ऑडियो आर्टिकल समाप्त होता है। धन्यवाद।